जहाँ पर आपको मिलती हैं खूब अच्छी अच्छी वीडियोस रिलेटेड ब्लॉगिंग, रिलेटेड शॉपिंग, रिलेटेड DIYs। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो को अगर देखा है तो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपके लिए मैं एक DIY लेके आई हूँ जो कि है एक होम डेकोर। और होम डेकोर मैंने वो किससे बनाया है, मैंने बनाया है वो किचन वेस्ट, यानी किचन वेस्ट भी कौन सा, वो आपकी फॉइल के जो रोल्स होते हैं, किचन रोल्स होते हैं, उससे मैंने बनाया है। वो है ये सुंदर सा होम डेकोर जो मैंने बनाया है किचन रोल से। और वो कैसे बनाया है तो आप उसको देखिए, क्योंकि अब आने वाली है दिवाली और दिवाली को हम सब अपने घर को सुंदर से सजाना चाहते हैं, तो क्यों ना किचन वे से ही हम लोग कुछ अच्छा सा बनाकर उसको सजाएं। तो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बनाना है। इस DIY के लिए आपको चाहिए वेस्ट किचन रोल। इनको आप एक ही सिंगल रोल को मैंने इस तरीके से कट कर लिया छोटा बड़ा। और आपको चाहिए शिल्प का क्ले, और इसके आपको 2 से 3 पैकेट चाहिए होंगे। और आपको चाहिए फेविक्रिल कलर और ब्रशेस और फेविकॉल। सबसे पहले शिल्प का क्ले को मिक्स करके, उसके दोनों पैकेट्स को मिक्स करके मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है। अब मैं इसे फ्लैट कर रही हूँ और फ्लैट करके मैं इसको पेस्ट करूँगी किचन रोल के ऊपर, इस तरीके से मेजर करके पेस्ट कर लेंगे। अब हम इसको इस पर पेस्ट कर लेंगे शिल्प का क्ले को, और पेस्ट करने के बाद इसको अच्छे से स्मूथ करेंगे। इस तरीके से फ्लैट कर देंगे इसको अच्छे से। अब मैंने इन दोनों रोल्स को ऊपर ये पेस्ट कर दिए शिल्पकार क्ले। अब मैं इस पर वुड का टेक्सचर दे रही हूँ। वुड का टेक्सचर देने के लिए आप किसी भी पेंसिल या ब्रश से, वुड का टेक्सचर देने के लिए अब मैंने इसके ऊपर ब्रश से ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। जब हम इन्हें पेंट करेंगे तो ये बिल्कुल वुड, रियल वुड की तरह लगेगी। अब वुड बनाने के बाद हम अब गणेश जी बनाएंगे। गणेश जी बनाने के लिए मैंने एक थोड़ी सी शिल्प का क्ले और लिया है। अब उसकी मैंने एक बॉल बना ली है। बॉल बनाने के बाद मैं इसको ईयर की शेप दूंगी इस तरीके से। बीच बीच में मैं इस पर थोड़ा सा ये पाउडर, टेलकम पाउडर लगाती रहूँगी। इस तरीके से मैंने इसको बीच में से प्रेस कर दिया है और एक ईयर की शेप दे दी है। अब मैं इसे कट कर लूँगी ईयर की शेप में, जिस तरीके से गणेश जी के ईयर्स होते हैं एलिफेंट की, एलिफेंट टाइप, उस तरीके से मैं इसको शेप दे दूँगी इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा मैं और फिनिशिंग दूँगी। अब मैं इस गणेश जी का हेड बनाऊंगी इस तरीके से, ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और फिनिशिंग दूंगी। इस तरीके से रेडी हो गए गणेश जी। इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। ड्राई होने से पहले लेकिन हम इसके अंदर गणेश जी के ईयर्स और फेस पे थोड़ी सी फीचर्स बनाएंगे। मैं एक टूथपिक की हेल्प से आईज, टीका और ये सब बना रही हूँ, और थोड़ा सा ईयर्स में भी लाइंस ड्रॉ करूँगी, और ये ट्रंक में भी इस तरीके से मैंने थोड़ी सी लाइन्स ड्रॉ करी हैं। अब इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने से पहले हम लेकिन इनको अच्छे से पेस्ट कर देंगे साथ में। इस तरीके से मैंने वुड को पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर गणेश जी को पेस्ट करूँगी। गणेश जी को पेस्ट करने के लिए मैं इसको इधर फेविकॉल लगा रही हूँ, और मैं ईयर्स के नीचे कोई चीज़ रख दूँगी ताकि ईयर्स खड़े रहें इस तरीके से। मैंने इसको ड्राई होने के लिए 2 से 3 घंटे छोड़ दिया था। अभी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे पेंट करूँगी। सॉरी, मैंने वुड पे ऑलरेडी पेंट कर दिया है, वो शूट नहीं हो पाया है, तो मैंने इसको वुड टेक्सचर देने के लिए ब्राउन पेंट करके हल्की सी ब्लैक स्ट्रोक्स ले गई हैं, आप देख सकते होंगे अच्छे से। अब मैं गणेश जी पे कर रही हूँ स्किन कलर। आप चाहे ऑरेंज या येलो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट मैं यहाँ स्किन कलर ले रही हूँ।
इसको आगे पीछे से अच्छे से पेंट कर लेंगे स्किन कलर में। आप देख सकते हैं स्किन कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये ड्राई हो चुका है। अभी स्किन कलर ड्राई होने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। अब मैं गणेश जी के एक रेड कलर से ईयर्स पे, फेस पे डिटेलिंग्स बनाऊँगी। ईयर्स में मैं इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पर मैंने मार्क्स लगाए थे टूथपिक से। इस तरीके से आप कर लेंगे सारी आउटलाइनिंग। अब मैंने इसके ऊपर आईज ड्रॉ कर दी है और मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ। मैं येलो और ऑरेंज की शेडिंग दी है इस तरीके से। ये देखिए ये येलो मैंने ईयर्स में भी शेड कर दिया हल्का हल्का। ये रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा और कलर ऐड करने के लिए आर्टिफिशियल लीव्स डाली हैं। आप चाहे इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। और आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। और आप भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तो और अच्छे अच्छे दिवाली के डेकोर्स और फेस्टिव डेकोर्स के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखा सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।